के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह को याद करते थे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। इमाम मुस्लिम ने इसको किताबुल हैज में जिक्र किया है। अल्लाह के नबी आयशा फरमाती हैं, और ये बीवी बता रही है, घर की ज़िंदगी आदमी बाहर तो ठीक है, नमाज़ें अदा कर रहा है, लोगों में दीन की बात कर रहा है, घर में जाने के बाद खाना पीना और जो भी उसकी ख्वाहिशात और लज्जतें हैं और ज़िम्मेदारियां हैं उनमें लग जाता है। बीवी बता रही है क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अवकात में अल्लाह को याद करते थे, अला कुल अहयानी ही, हीन वक्त को कहते हैं, अला कुल अहयानी ही, अपने तमाम अवकात में अल्लाह को याद करते थे, खाते वक्त, पीते वक्त, इस्तिंजा, कज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं, बाहर आए, इसी तरह से वुज़ू, इसी तरह से आराम, लेटना, नींद से बेदार होना, हत्ता कि बीवी की क़ुर्बत, खुशी, गम, सफ़र, हदर, बाज़ार में तिजारत, मस्जिद में इबादत, मैदान जंग में भी, हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते थे। ये सबसे आला ज़िंदगी है जो किसी इंसान को नसीब हो सकती है। सबसे आला ज़िंदगी क्या है? वो अपने तमाम अवकात में अपने मालिक से जुड़ा रहे, वो जो उसके मसाइल को हल भी कर सकता है और उसकी उसके दिल को सुकून दे सकता है, उसको नेमतें भी अता करेगा, मुसीबतों से बचाएगा और उसका दिल सुकून से भर देगा। आखिरी चीज़ बहुत अहम है, देखिए, घर का नेमतों से भर जाना और दिल का सुकून से भर जाना, इन दो में से अगर चुनने के लिए कहा जाए, सोचिए क्या है, अक्लमंद आदमी दूसरी चीज़ को तरजीह देगा अगर दो में से एक मिलने वाला है, क्योंकि फिर आदमी गुर्बत में हो, बीमारी में हो, तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, लेकिन दिल उसका सुकून वाला है, नेमतों से चाहता क्या है, सुकून मिले, नेमतें हो के भी अगर सुकून नहीं है क्या फ़ायदा। और आज कितने लोग ऐसे हैं कि दुनिया की नेमतें उनके पास हैं, उनके पास सेहत है, उनके पास माल है, उनके पास अच्छा जॉब है, उनके पास ओहदा है, उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ कोई दे दे उनको, एक चीज कोई दे दे, उनके पास अच्छे बिस्तर हैं, उनके पास नींद की गोलियां हैं, उनके पास दिल का सुकून नहीं है, घबराहट, बेचैनी, वो सुकून देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये आला तरीन जिंदगी है कि एक इंसान अपने रब से हर हाल में जुड़ा हो। अल्लाह से जुड़ना उसके दिल को सुकून, उसके लिए हौसला, उसके गम के लिए मरहम, मुसीबत में अल्लाह को याद करना कोई है जो मेरे हाल को जानता है, जो मेरी तकलीफ को जानता है, कोई है जो मदद कर सकता है और उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, कोई है जो मेरे मसाइल का हल जानता है, कोई है जो बहुत रहम वाला है, कोई है जो बहुत सखी है, करीम है, अता करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उस अल्लाह को याद करना इंसान के दिल को सुकून से भर देता है और आला तरीन ज़िंदगी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़िंदगी जीते थे, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अवकात में अल्लाह को याद करते थे। दुनिया की मशगूलियत ज़रूरत है, लेकिन कितना कीमती इंसान है जो इन ज़रूरतों में भी अल्लाह को याद करने के बहाने ढूंढ लें। मखलूकात उसको अल्लाह से जोड़ने वाली बने, उसकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात उसको अल्लाह से जोड़ने वाले बने, ये आदमी दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ अस्समावाति वल अर्ध। कौन है ये? उलुल अलबाब, सबसे अक्लमंद लोग। सबसे अक्लमंद वो नहीं है
जो चीज़ों में खोकर बड़ी से बड़ी नेमतें हासिल कर ले, जमा कर ले, उनके ढेर लगाए। अकलमंद ये नहीं है, अकलमंद वो है जो चीज़ों में रहकर भी अपने रब को, उन चीज़ों के पैदा करने वाले को याद रखे। वलज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह की याद हर बड़ी चीज़ से बड़ी चीज़ है।